हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुमित झारखंडी और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारे बीच आज कौन है। ये हमारे बीच है आज निशा कुमारी जी, और इनका अभी अच्छा खासा मतलब जेएससी बोर्ड पर अच्छा रिजल्ट आया है, और हमारे धनबाद में ये टॉप किए हुए हैं और झारखंड लेवल में टॉप 10 पर है। तो आज जानते हैं इनके बारे में कि ये किस तरह इनका तैयारी चल रहा था। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स, और अगर आपको इनसे कुछ मोटिवेट होने का मिलता है तो हमें ज़रूर कमेंट्स पर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये अधिक लोगों तक पहुंच पाए और उन्हें भी कुछ नॉलेज और ज्ञान प्राप्त हो पाए। तो चलिए मैं इंटरव्यू को चालू करता हूँ। तो निशा जी, आप तैयारी किस तरह से कर रहे थे? सबसे पहले तो जितना भी एनसीईआरटी बुक्स हैं वो सब फॉलो करें, उनको अच्छा अंदर से पढ़ें, नोट्स बनाएं, उनका रिविज़न करें, ट्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेल्फ स्टडी करें, ट्यूशन पे पूरी तरह से निर्भर ना रहें, क्योंकि ट्यूशन में तो सर अपना एफर्ट दिखाएंगे ही, लेकिन खुद भी कुछ मेहनत करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो आप कितना सेल्फ स्टडी आप कितना करते थे ट्यूशन के अलावा? ट्यूशन के अलावा हम 6-7 घंटा पढ़ते थे। अच्छा, तो आपको लगता था क्या कि आप टॉपर कीजिएगा? नहीं, हमको नहीं लगा था, हमको लगा सिर्फ स्कूल में कर सकते हैं, लेकिन धनबाद में नहीं। तो धनबाद में अभी आपका कौन सा अभी जगह बनाए धनबाद में? हम धनबाद में टॉपर किए हैं, मतलब फर्स्ट रैंक पे हैं, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। अच्छा, और झारखंड लेवल में? 10th में हैं हम, टॉप टेन में। अच्छा, तो इसके अलावा आप जो कि है जो आप तैयारी करते थे ट्यूशन, कितना दूरी पर आप जाकर करते थे और कहाँ से किए थे आप ट्यूशन या कोचिंग? 3-4 किलोमीटर दूर राजगंज में ट्यूशन करते थे, शरद सर के पास में। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा आप पढ़ाई के साथ साथ आप घर का भी काम में भी कामकाज में किस तरह का आपका मम्मी का, जैसे आपके इनके साथ फ्रेंड्स, इनका मम्मी और पापा भी है, तो हेल्प करते थे घर के कामों के साथ साथ आप इनके? हाँ, घर का काम भी करते थे। अच्छा। सुबह झाड़ू लगाना, थोड़ा बर्तन धो देना और बाड़ी में हाथ बटाना। अच्छा, तो अभी आपके पास कितने चैनल वाले आए हैं और आपको कैसा मतलब अच्छा लग रहा है कि मतलब आज हम आपके पास पहुँचे हैं, तो आप कुछ बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है कि आज आपके पास बहुत सारे लोग आए होंगे मिलने के लिए, अगर टॉप किए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? मैंने उम्मीद नहीं किया था कि बहुत सारे लोग मुझे जानेंगे या फिर बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप लोग भी आए हैं, इसलिए थैंक यू। अच्छा, आप जो बुक्स, कौन से बुक से आप तैयारी करते थे? मेरा तो मेन बुक था कि एनसीईआरटी को फॉलो करना, क्योंकि अच्छा, उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया जाता है और वही बहुत अच्छा है मतलब हम लोग के लिए। अच्छा, आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे मम्मी पापा दादा दादी मेरी बहन और बाकी मामा इन लोग भी हैं। अच्छा, भैया हैं। तो आगे आप जैसे कि आप इतना अच्छा, आपको तो नहीं लग रहा था कि आप टॉपर कीजिएगा, है ना? हाँ। तो अभी आपसे और भी आज मेहनत और ज़्यादा करते तो हो सकता था, इससे भी अच्छा आपका लेवल अच्छा हो सकता था। हाँ, मुझे लगता है। बट अभी जो आपसे नीचे यानी कि आपसे जो जूनियर है, अगर उन लोग का मोटिवेट करना चाहेंगे जो कि 8 और 9 में है, तो उन लोग को किस तरह से तैयारी करना चाहिए? उन्हें तो सबसे पहले कि स्कूल में अच्छा से जो मैम इन लोग बता रही हैं, नोट्स बना रही हैं, उनको लिखा रही हैं, उनको पढ़ें, खुद से भी मेहनत करें, खुद नोट्स बनाएं, ट्यूशन में सर जो पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करें, उसको पढ़ें, अच्छे से याद करें और रिविज़न भी करें टाइम टाइम पे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलकर, और टोटल आपका जो मार्क्स है अभी क्या है आप थोड़ा बताएं दर्शकों? मेरा टोटल मार्क्स है 480 और 96%। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में सबसे अच्छा आपका है? मैथ्स में कितना है? 99। तो फ्रेंड्स, सारा चीज़ आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं एक बार। और चलिए फ्रेंड्स, आपने देख भी लिया होगा, आप चलिए इनसे इनके पापा से आपको मिलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले अंकल जी से परिचय दिलाते हैं, तो अपना परिचय दीजिए थोड़ा। मेरा नाम है वशिष्ठ रजौर, मैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड में काम करता हूँ। अच्छा, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी टॉप की, तो बहुत खुशी बुझा रही। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कौन कौन आपके यहाँ आए? अभी बहुत सारा मीडिया लोग आए हैं, जितना भी आए हैं बहुत मुझे खुशी बुझा है, खुशी लगा, फील हो रहा है कि जी जी फील हो रहा है। तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा, और उनके साथ साथ देखते उनका मम्मी जी भी है, तो मम्मी जी आप कुछ थोड़ा बताइए कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाम लीला देवी है। अच्छा, हम धनदरी के हैं और मेरी बेटी आज टॉप की है धनबाद में, 1 में है। तो मतलब हम लोग, मेरा मतलब ये मानना है कि देखिए, लड़का लड़की में भेदभाव ना करें। अच्छा। मेरी 2 लड़की है, ये मेरी बड़ी बेटी है और छोटी बेटी मेरी नवोदय में है। अच्छा। तो मतलब मैं सभी पेरेंट्स से आग्रह करती हूँ कि बेटी में फ़र्क ना डालें। अच्छा।
बेटा बेटी में फ़र्क ना डालें, ये नहीं, ये मत सोचे कि मेरी बेटी है आगे नहीं जाएगी, लेकिन बेटा से बेहतर कर सकती है। मैं यही सोचना मतलब कहना चाहती हूँ कि बेटी आज देश के भविष्य के लिए बेटी ही सुरक्षित है। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने मेहनत किया है निशा जी ने, और इनको काफ़ी अच्छा आपको प्रूफ फील हो रहा है कि गर्व हो रहा है कि मेरा बेटी आज अच्छा लेवल पर है कहीं और नाम रोशन कर रही, गांव का भी, गांव के साथ साथ झारखंड, पूरा झारखंड में भी 10 पर है और हमारे धनबाद जिला में तो टॉप पर है, तो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, हमारा तो लागबे करते है अच्छा। आज आज हमारे बेटी आज मुकाम में है तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ साथ हमने के जो गाँव के आ रोजे मैंने थी अथिन मतलब गाँव के लोग, हाँ तो सबको अच्छा लग रहा है कि चल हमारे दलदली के नाम रोशन भैया ले आज की तरह की चलते। तो चल बहुत ही अच्छा। आगे आप निशा जी, अब आगे आपका क्या टारगेट क्या है, यानी कि हम आगे आप क्या सोचिए, पढ़ाई आप किस तरह से करना चाहते हैं और आपको गार्जियन से किस तरह का सपोर्ट चाहिए अपने फैमिली से? हम आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं, इसके लिए जिससे इससे रिलेटेड जितने भी पढ़ाई है वो करना चाहती हूँ। अच्छा, मम्मी पापा तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और भैया इन लोग भी, तो मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए, तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लगा है आज इनके फैमिली से भी मिलकर, निशा जी से भी मिलकर। तो उम्मीद करूँगा आपको फ्रेंड्स इनका जो वीडियो है आपसे काफ़ी मतलब मोटिव हुए होंगे, और आपको कुछ अच्छा लगा तो अच्छा सारा कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं और भी जितने भी हैं सभी को मैं टॉपर जो किए हैं इनके नीचे जो है उनको मैं अपने चैनल पर ला सकूँ। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था, उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आए, तो दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बाय।